गढ़चिरौली में धान उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल एक हजार रूपए बोनस या फिर हर किसान को पंद्रह हजार रूपए अनुदान दिया जाए सरकारी अनाज खरीदारी मर्यादा बढ़ाई जाए इसके साथ अन्य तेईस मांगों के लिए सोमवार को चामोर्शी तालुका के पांच हजार किसान सरकार विरोधी घोषणाबाजी करते हुए उप विभागीय कार्यालय पहुंचे और तपती धूप में आक्रोश व्यक्त किया चामोर्षी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति अतुल गनार पवार इन्होंने मोर्चे का नेतृत्व किया केंद्र व राज्य सरकार सिर्फ जय जवान जय किसान की घोषणाबाजी करती है लेकिन किसानों की परेशानियों पर उनका कोई ध्यान ही नहीं है सरकारी खरीद केंद्रों पर स्व उत्पादित अनाज नहीं बेचा जा सकता क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है किसानों ने विविध प्रश्नों को लेकर मोर्चा निकाला है कुछ चावल मिल मालिकों के लाभ के लिए दो या तीन विधायकों ने राज्य सरकार को इस साल बोनस नहीं देने के लिए मजबूर किया जबकि किसान वास्तव में प्रति एकड़ पंद्रह से अठारह क्विंटल अनाज का उत्पादन कर रहे थे केवल नौ क्विंटल साठ किलो सरकारी धान की खरीद की गई थी अध्यक्ष अतुल गन्यावान ने पूछा कि क्या किसान बचा हुआ माल निजी व्यापारियों के गले में डाल दे राज्य सरकार ने इस वर्ष कुछ लोगों के लाभ के लिए कोई बोनस नहीं दिया है क्योंकि राज्य के बाहर से कोई माल नहीं आ रहा है बोनस की जगह डीबीटी के जरिए ग्रांट देने की घोषणा की गई लेकिन अभी तक कि किसी किसान को अनुदान नहीं मिला है वो अनुदान तुरंत दिया जाना चाहिए चामोर्शी तालुका में रबी धान बिक्री के लिए पाँच किसानों ने उपस्थिति दर्ज कराई हालांकि खरीदारी सीमा समाप्त होने से सैकड़ों किसान धान खरीदने में फंस गए अनुमंडल पदाधिकारी तोड़साम के माध्यम से राज्य सरकार को तेज सूत्रीय याचिका भेजकर सीमा बढ़ाने की मांग की गई, नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को पचास हजार रूपए की सब्सिडी तत्काल दी जाए कर्ज माफी से वंचित किसानों को योजना का लाभ दिया जाए ऐसी मांगे की गयी मीटिंग क्या आदमी की तकलीफ को तो समझो बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासीर की है बवासीर, फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड नागपुर कॉल और विजिट करें डब्लू डब्ल्यू